हे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि फिटनेस का सारा अपडेट सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सिंह फिटनेस रहा पे मिलेगा। तो मैं मनीष सिंह और आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस रहा। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया। तो आज का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है वो है भरत सिंह बालिया की तरफ। तो गाइज आप लोग देख सकते हो उन्होंने अपना एक करंट फिजिक अपडेट शेयर करा एंड आप इसमें देख सकते हो बिल्कुल जो इनका बॉडी है बिल्कुल ऑन द पॉइंट कंडीशनिंग में लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है ये बहुत ही जल्द कमबैक करने वाले हैं बॉडी बिल्डिंग में। और इनका जो जेनेटिकली है गाइज वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रियली बताऊँ बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं। एंड लेट्स सी गाइज देखते हैं कभी ऑफिशियली लाइक अनाउंस करेंगे कि कोई शो वगैरह में कॉम्पीट करेंगे या फिर ऑन ट्रैप आएंगे जो भी है, बट इस कंडीशन को देखकर यही लग रहा है कि बहुत ही जल्द बॉडी बिल्डिंग में कमबैक करने वाले। लेट्स सी गाइज आप लोग बताना इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। गाइज जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है IFBB प्रो पंकज गजवानी की तरफ से। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये पंकज गजवानी का करंट फिजिक अपडेट है। यदि फिजिक की बात करेंगे तो रियली इस बार ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड आप इस फिजिक में देख सकते हो गाइज बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यदि ये फिजिक लेकर मुंबई वाले प्रो शो में आते ना तो उस पूरे लाइनअप में जरूर ना कहीं इनका बहुत अच्छा प्लेसिंग आता। बट बाय द वे कोई नहीं, इस बार ये बहुत अच्छे तरीके से गेनिंग मोड पे हैं एंड कंडीशनिंग देख सकते हो बिल्कुल ऑन द पॉइंट लीन गेनिंग चल रहा है। तो अभी थोड़ा टाइम भी है, आई थिंक लगता है ये 6-7-8 महीने बाद ही कॉम्पीट करेंगे। तो 8 महीने में तो बहुत ही अपने फ्रेम में अच्छा खासा मसल मास पुट ऑन करके ऑन द स्टेज आएंगे, बहुत तगड़ा करने वाले हैं और इनका जो पोजिंग है वो तो सबसे अलग ही है। तो ऑल द बेस्ट टू पंकज गजवानी, आप सभी लोग जरूर लिखना। गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है निशांत बंसल की तरफ से। गाइस तो आप लोग देख सकते हो निशांत बंसल अभी फिलहाल जयपुर गए थे किसी ओपनिंग या किसी एक्सपो में, तो उन्होंने वहाँ पे स्टेज पे पोजिंग करा एंड आप लोग देख सकते हो गाइस बिल्कुल रियली बताऊँ बहुत मैसिव लुक लेकर गए थे ऑन द स्टेज। और आप लोग देख सकते हो इस लाइक मतलब इस कंडीशन को देखकर यही लग रहा है कि इस बार ये भी अपने फ्रेम में थोड़ा बहुत मसल मास और कंडीशनिंग पे काम करके आएंगे और बहुत ही जल्द ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करेंगे गाइज। और इनके अंदर ये पोटेंशियल है कि बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इंडिया के लिए, जिस तरीके से इनका जो बॉडी का सिमेट्रिक है, जिस तरीके से फिजिक मतलब खुद को ऑन द स्टेज लाइक शो करते हैं बहुत ही मैसेसिव बहुत अच्छे तरीके से गाइज। इनका पोजिंग भी बहुत बढ़िया, ओवरऑल मतलब सब कुछ इनका बेटर है। तो होप करेंगे बहुत जल्द क्वालिफाई करें ओलंपिया के लिए। तो बाय द वे इस फिजिक को देखकर आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है बिलाल अली की तरफ से। गाइस तो आप लोग देख सकते हो बिलाल अली का ये करंट कंडीशन है। कंडीशनिंग की बात करेंगे गाइस तो रियली बिल्कुल शार्प लग रहे हैं और कोर और एप्स में तो कोई लाइक डिफरेंस दिख नहीं रहा, दोनों बिल्कुल सेम जैसा लग रहा, मतलब बिल्कुल टाइट और बिल्कुल एकदम नाइफ की तरह बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़्यादा कंडीशनिंग में लग रहा है। एंड आप अपर बॉडी भी देख सकते हो बिल्कुल लीन गेनिंग लाइक चल रहा, तो अब बहुत ही कम दिन बचे हैं गाइस। तो लेट्स सी देखते हैं क्या इनका जो राइवलरी वहाँ पे होगा भुवन चौहान वर्सेस बिलाल अली इमरान खान, तो देखने लायक होगा, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि आपको फिटनेस का सारा अपडेट सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सिंह फिटनेस रहा पे मिलेगा गाइस। तो इस कंडीशन को देखकर आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है IFBB प्रो न्यू IFBB प्रो सिद्धांत जसवाल की तरफ से। तो आई थिंक उनके हाथ में इंजरी हो गया तो उन्होंने एक वीडियो शेयर करा, तो आप इस वीडियो को देखना एंड गेट वेल सून आप सभी लोग जरूर लिखना। कभी कभी क्या होता है चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है, तो जो चीज़ अपने हाथ में होता है वो करना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मेरे हाथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है जो कि आपने वीडियो में देखा होगा, कट पिट हुआ है, सर्जरी हुआ है। बट मैं मोस्टली क्या है सोशल मीडिया पे जो प्रॉब्लम चलता है वो नहीं बताता, मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम आने के बाद भी आप जो चीज़ मैनेज कर सकते हो आपको मैनेज करना चाहिए। जैसे मेरा ट्रेनिंग तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसमें ट्राइसेप्स इन्वॉल्व होगा, कटा हुआ है वहाँ पर, बट डाइट कार्डियो बाकी जो मेरा काम है वो सब चीज़ मैं कर पा रहा हूँ। तो जो चीज़ आपके हाथ में वो चीज़ आप किया करो, बाकी जो चीज़ हाथ में नहीं है वो छोड़ दो, नेवर कंप्लेन। बस नेक्स्ट अपडेट है वो है नितिन चंडीला की तरफ से गाइस। तो फाइनली उन्होंने अपना करंट फिजिक अपडेट जो है वो शेयर कर चुके हैं एंड गाइस आप लोग देख सकते हो बिल्कुल शार्प और बिल्कुल ऐसा लग रहा कि 3-4 दिन बाद ये कॉम्पीट करने वाले, मीन्स लाइक इस बार इन्होंने कंडीशनिंग पे अच्छा खासा काम करा, मेजर चेंज नहीं हुआ 3-4 महीने में और 3-4 महीने में मेजर चेंज हो भी नहीं सकता गाइस। बट इस बार कहीं ना कहीं ये कंडीशनिंग पे काम किए हैं और इस कंडीशन में एप्स देख सकते हो कितना ज़्यादा टाइट और कितना विजिबल दिख रहा, तो बहुत अच्छा करने वाले गाइस। बाय द वे इस फिजिक को देखकर आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताना और इनसे होप करते हैं कि कुछ अच्छा मेडल जरूर लेकर आएंगे। हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है ई बैंक की तरफ से। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये इनका करंट फिजिक अपडेट है और इस फिजिक को देखकर यही लगता है कि ब्रेंडन हेड्रिक्सन को यदि कोई टक्कर दे सकता है तो इरिन बैंक्स ही दे सकते हैं गाइज। और आप लोग देख सकते हो बिल्कुल शार्प चेस्ट में देख सकते हो अच्छा खासा मसल मास दिख रहा एंड कंडीशनिंग बिल्कुल ऑन द पॉइंट लग रहा, बैक कंडीशन देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा, मींस सभी कुछ बहुत ही अच्छा दिख रहा। तो 19-20 का टक्कर होने वाला है ब्रेंडन हेड्रिक्सन वर्सेस
इरिन बैंक्स। गाइज आप लोगों को क्या लगता है इस बार क्या ओलंपिया का टाइटल इरिन बैंक्स जीत सकते हैं या फिर नहीं, जो भी आप लोग सोचते हो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है वो है जर्मिन बुंडिया और उनके जो स्टूडेंट जो क्लाइंट है इस बार कॉम्पीट कर रहे हैं ओलंपिया में, ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनका नाम है जोविन सेगविन, जो कि देख सकते हो मेरे को ऐसा लगता है आप इनके फेस दोनों को ढक दो तो जर्मिन बुंडिया और सोविन जगविन का दोनों का लाइक बॉडी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। शोल्डर में राउंडनेस देख सकते हो, फाइबर देख सकते हो, चेस्ट में देख सकते हो कंडीशनिंग, अच्छा खासा मसल मास, बाइसेप आर्म्स, मतलब ओवरऑल अधिक कंडीशनिंग की बात करेंगे तो बहुत टॉप नॉच लेवल का है। और इन्होंने मतलब इस बार तो बहुत ही कमाल का तैयारी करके जो भी हैं लाइक ऑन द स्टेज आने वाले हैं और ये टॉप 10 में तो मेरे को ऐसा लग रहा है टॉप 10 में इनका प्लेसिंग 100% रहेगा। बट लेट्स सी, देखते हैं गाइस क्या होता है। जर्मिन बुंडिया की तरफ बिल्कुल इनका कोर वोर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग बताना क्या आपको भी ऐसा लगता है। मेरे को तो ऐसा लगता है इनका दोनों जर्मिन बुंडिया और जो जोविन सेगविन है दोनों का बॉडी बिल्कुल सिमिलर लग रहा, तो आप लोग बताना आप लोग को क्या लगता। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज वैसे आज का जो आखिरी अपडेट है वो है तरुण गिल की तरफ से, गाइज उन्होंने एक फोटो शेयर करा है। गाइज आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल फोटोशॉप लग रहा है इनका जो ऐप्स पहले का है, और इसमें फोटो में देख सकते हो बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सबको फिर से वन मोर टाइम ये सबको पागल बुद्धू बनाने वाले हैं। एंड आप लोग देख सकते हो उन्होंने लिखा जेनेटिक्स मॉडिफाइड बाय जस्ट बैलेंसिंग द हार्मोन्स, पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा। इंजीनियर एस जो इनका वो है ट्रेनर, वो इनको इंजीनियर बोलते हैं, जो भी है एप्स की देख सकते हो बिल्कुल मतलब 100% मैं बोल सकता हूँ जो भी है इनका वो इनका जो है एप्स वो फोटोशॉप किया हुआ है। बट इनको ऐसा लगता है कि इनका जो इंजीनियर है एस ठाकुर उन्होंने सही करा, जो भी है आप लोग बताना क्या ये आपको फेक लगता है या फिर रियल, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।